गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है सैटरडे 31 दिसंबर। तो आज साल का आखिरी डे है और आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। अभी हो रहा है सुबह का 6:15 या 6:20 होता होगा। तो सुबह बर्तन वगैरह हम धो लिए हैं और सुबह सुबह अगर उठ के ठंडे पानी से कोई काम करना हो ना, उसके बाद लगता है कि हाथ तो है ही नहीं, बिना हाथ का इंसान ऐसे ही लगता है। क्योंकि ठंडा पानी के बाद से ना हाथ पूरा इतना ज़्यादा सुन्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता है इस तरीके से। तो इसीलिए हमने जस्ट बोल दिया कि हाथ है ही नहीं ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और एकदम बिंदास हैं हम लोगों की तरह। अभी हो रहा है 6:55 सुबह का और बाहर को ऐसा एकदम मौसम पूरा अंधेरा हो रहा है, जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमने भी बर्तन वगैरह धो लिया, मम्मी किचन बाहर वो घर पर सारे में झाड़ू वगैरह लगा दी, मम्मी गई है कचरा फेंकने के लिए। तो अभी चढ़ाते हैं चाय, मम्मी शायद दूध का मलाई ठंडी के टाइम पर निकाल के ना घी निकालती है, घर का घी। तो दूध के ऊपर जो मलाई जमता है वो मम्मी निकाल दिया। हाँ, तो अपना आते हैं गर्मा गर्म चाय और वो लोग सब सोए हैं। हस्बैंड किट्टू को तो नहीं उठाएंगे, उनको आवाज़ देंगे, वो आ जाएंगे सुबह 10 बजे। तो इसलिए आज हम लोग उठे 6:30 बजे। मम्मी सुबह उठी थी, फिर लेट गई थी। जब चाय बनाने के लिए चीनी का डब्बा लेते आए तो देखे चीनी है ही नहीं। वो तो अच्छा है कि एक दिन पहले ही हस्बैंड जी ला दिए थे, नहीं तो जैसे बहुत पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, अभी भी मुझे याद आता है कभी कभी कि जब मम्मी खाना बनाने बैठती थी, कुछ कुछ सामान रहता नहीं था तो बुआ के घर पे, चाची के घर पे, जैसे आसपास पड़ोसी वगैरह रहते हैं उनके घर पे बोल देती है ठीक है लेते आ जाओ वहाँ से, बाद में दे देना। आजकल तो ऐसा होता नहीं है, पर हम लोग गाँव से बिलोंग करते थे तो ये तो होता है। पता नहीं आजकल ऐसा होता है ही नहीं, पर अभी तो ख़त्म होने से पहले ही आ जाता है ज़्यादातर, जितना हम देखते हैं आसपास के घर पर या फिर अपने घर पर। तो चलो, चीनी भी हमने डब्बा पे डाल लिया, थोड़ा सा खाली रखे हैं, नहीं तो चम्मच नहीं होता है, मतलब चम्मच इसके अंदर नहीं घुसता है। आज मेरा मन कर रहा है ना लीकर चाय पीने के लिए, तो सबसे पहले ना पानी में हमने चीनी उबाल लिया है, उसके बाद थोड़ा चाय पत्ती देने के बाद बस जस्ट उबलेगा, उसके बाद हम ढाल लेंगे। तो उससे क्या होता है, चाय ना ज़्यादा कड़ा नहीं होता है, एकदम अच्छा भी लगता है, ज़्यादा तीता भी नहीं लगता है। तो देखो मेरा लीकर चाय बन के हो गया तैयार। तो अब इस पे डाल देंगे दूध मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड तो जाएंगे सुबह सुबह काम पे, तो उनके लिए नाश्ता भी रेडी करके देना होता है। और जिनके घर पे बच्चे हो या फिर कोई बड़े हो, सुबह में उनको काम पे जाना होता है या फिर बच्चे लोगों को स्कूल पे जाना होता है ना, तो रात से सोच लेना पड़ता है कि सुबह मुझे बना के देना क्या है। तो हमारे घर पर जबकि कोई सब्जी नहीं है, बस आलू ही है, तो आलू का भुजिया बना देंगे। और नए आलू का पता है भुजिया उतना अच्छा नहीं आता जितना चोखा अच्छा होता है, मतलब चटनी अच्छा होता है भरता। तो नए आलू बहुत आसानी से छिल जाता है, उसको बैठे से सामने से नहीं, पीछे से आराम से हल्के हल्के हाथों से हिलाते हैं ना, मतलब तानते हैं तो आराम से अच्छे से छिला जाता है। तो चलो अच्छे से पहले छिल लेंगे, उसके बाद धो लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बाली रहता है इस पर। उसके बाद इसका काटेंगे भुजिया, भुजिया के साथ बनेगा रोटी। तो यहाँ पे हम गेहूँ का आटा, अच्छा तो मम्मी चाल के रखी थी, बहुत दिन हो गया था ना, तो मम्मी बोली दोबारा चाल लेने के लिए, तो उसको चाल ले रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा निकलेगा उसको फेंक देंगे। और चावल गेहूँ के आटे के साथ ना चावल का आटा मिक्स करके रोटी बनता है हमारे घर। ये थोड़ा वाइट थोड़ा कम दिखता है ना, और चावल का आटा होता है ना एकदम प्योर वाइट, देखो कितना एकदम सफ़ेद दिखता है। दोनों मिक्स करने के बाद ना रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत देर तक नरम भी रहता है। आटा सान के हम गोला बना के दे दिए थे, मम्मी बना रही है रोटी कि टूट गया था, हम अंदर चले गए थे, मम्मी बोली हम बना देते हैं। तो भुजिया भी हम काट के धो दिए थे, मम्मी भुजिया भी बना ली है, साथ में रोटी बना ही रही है। तो चलते हैं उनको उठाते हैं, अभी तक सो रहे हैं। हाँ, नरम नरम किट्टू तो और भी आसानी से खा लेता है। चावल का मम्मी जब रोटी बनाती है ना, रोटी एकदम पूरी की तरह फूलता है, लीची की तरह एकदम टुपका टुपका, देखो सारे के सारे एकदम फूले फूले रहते हैं। चलो बाहर का वेदर दिखाते हैं आपको, देखो अभी भी कुहासा एकदम
थोड़ा दूरी में ना दिखाई भी नहीं दे रहा है, कांच के पत्ते से भी नहीं देखो नहीं दिख रहा है। अगले दिन पता है क्या हुआ, मेरा जो ये येलो कलर का जो फ्लावर था ना इधर साइड का, ये वाला गमले वाला, इसके सारे डाल बकरी खा के चले गई है। देखो पूरा एकदम इधर जितना उधर ही फ्लावर हुआ है ना, इधर भी उतना ज़्यादा फूल था, साथ में कली भी बहुत ज़्यादा था, सारा खा गया है। थोड़ा सा गेट खुला मिलता नहीं है कि आके घुस के सारा खा लेता है। और देखो कुआसा जो मकड़ा का फांद वगैरह रहता है ना उसके ऊपर कुआसा गिर गिर के कितना सुंदर ब्रिज की तरह लगता है दिखने में। और ये है मेरे बगान का पपाया जो बहुत ही बड़ा हो गया, अभी तक पक नहीं रहा, पकने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी पकेगा ना तब खाएंगे, कच्चा तो खाएंगे नहीं पर हाँ पकने के बाद तो खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिक्कत है कि नहीं आप लोगों को पता है तो बताना। चलो अंदर दिखाते हैं पापा अभी क्या कर रहे हैं। अभी बजा है सुबह का 8:15, पन्नी बाहर का नहीं सबटा है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कुआशा है। तू अपना ब्लॉक्स लेके खेल रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप फोटो साथ खेल रहे हैं? नहीं आप फोन देख रहे थे। हम बना रहे थे फोन पे। अपने मन से बनाता है। जो बनाता है अपने। चोर को पकड़ लिए थे रात में? ओ मत पूछो, रात कितना जोर जोर से गेट कोई घिसा ना तो जैसे एक बार घिसा तो किट्टू उठ गया, बोलता कौन है पापा रात में भी। रात में चोर आया था ना बेटू? हाँ। फिर किट्टू जाग गया था ना? हाँ। फिर पापा जाएगा ना, हल्ला मला सीधी फिर हम बाहर निकल के देखे देखे कोई नहीं मिला मुझे। किट्टू एक मतलब एक आवाज में किट्टू उठ के पूछता है कौन है पापा, कौन है पापा। हम बाहर निकले 11:30 बज रहा था, फिर देखे कोई नहीं है, बस मतलब गेट जो रिश्ता टेक रहा है ना तोड़ने का कोशिश किया। क्या कोई नहीं है। अब साइकिल बाहर मत रखना, वो साइकिल ही है जो चुरा के लेके जा सकता है। बाहर वो साइकिल तो वैसे सवेरे अंदर करते हैं, 11:30 बज रात में, रात भर तो बाहर थोड़ी रहता है। इधर दिखा बाबा, इधर दिखा, उल्टा देखो, देखो उधर देखो। क्या बनाए हो ये, क्या बनाए हो? कुछ कुछ बनाता रहता है। अब फर्स्ट बोर्ड दिए थे कि सेकंड बोर्ड दिए थे, इतना सुबह जगह हम सेकंड फर्स्ट में ही जाके लगे थे समझे, तो नंबर तो लगा नहीं था, पहले जाके लगे थे। कार्यकर्ता सब वहाँ पे पहले अपना अपना टेबल सरिया रहा था, एक लोग क्या किया आया पहले पर्ची उसको सामने में दे दिया और पर्ची हाथ में ले लिया, इसीलिए उसका फर्स्ट लग गया मेरा सेकंड लगा। जिसको दिए हो वही जीता है, कल आया भी था इधर, हाँ रैली निकला था दो दो बार, यहाँ घर के सबके पास आके सबको प्रणाम किया आशीर्वाद लिया तो बोला कि हाँ आप तो काम को मतलब बोले कि काम तो अब करेंगे। चलो मोहल्ला का आज तक तो कोई कुछ नहीं किया है, क्या पता करे है ना हमारा मोहल्ला। इसको क्या हुआ, अंगड़ाई ले रहा है। आज बोले थे ना कि इनसे हम अगले दिन नहीं दिखा पाए थे, अगले दिन आज है कौन सा दिन, आज सैटरडे है ना, तो फ्राइडे को ये बहुत सुबह चले गए थे 6:45 में लगभग, तो उतने सुबह में करके काम भी थोड़ा बहुत हो जाता, ऊपर से किट उड़ गया, आज भी सुबह उड़ गया है, तो आज जाएंगे 10 बजे। अभी बोले थे ना 8:15, पक्का 8:15 ही हो रहा है, देखो 8:10 भी हम यहाँ से बाहर गए थे तो आए हैं, बोले 8:15 होता हूँ, 8:15 ही हो रहा है। हम इतने सुबह में तो रोटी खाने का मन नहीं है, थोड़ा सा मूढ़ी मिक्स करेंगे चना चोर के साथ और खाएंगे। अब तो रोटी खाओगे? हम थोड़ा सा मूढ़ी मिक्स करते हैं, मन कर रहा है थोड़ा सा मूढ़ी खाने के लिए। सुबह सुबह ना बंगाल साइड में हमारे उधर मायके तरफ उधर ना सुबह में लाइट नाश्ता सबको पसंद है, जैसे सुबह में चिड़ा हो गया, मूढ़ी हो गया या फिर हल्का बिस्किट चाय हो गया, पर हमारे इधर ससुराल पे यहाँ पे ज़्यादातर सबको रोटी मतलब हैवी नाश्ता पसंद है, जैसे रोटी सब्जी हो गया कुछ भी भात, जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू भात ही खाते थे। तो आज पता नहीं क्यों मन किया कि सुबह में थोड़ा सा मूढ़ी चनाचूर छोला बादाम मिक्स्ड करके खाया जाए, किट्टू को भी पसंद होता है ये सब, तो मिक्स्ड कर लिया है, खा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या काम होता है। अभी हो रहा है सुबह का 10, कुआ से थोड़ा कम है तो क्या हुआ कनकनी इतना ज़्यादा कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया ना
थोड़ा सा मूढ़ी खाने के बाद ठंडा पानी पी लिए थे, हालत खराब हो गया, पूरा बदन पूरा थुथरा रहा है। देखो ऊपर में एक कवाई बैठा है, उसको भी लग रहा है जैसे उसके देह पे जान नहीं है, मतलब इस तरीके से ठंडा भी हो रहा है। तो उस लोग स्टॉप ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, शायद आँख सेक सेक के हम एंड करेंगे आँख सेक सेक के। सुबह के 10 बजे हम इनको बोले कि थोड़ा सा आँख लगा तो मुझे सीखना है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ठंडा बिल्कुल भी। तो आँख लगाने का माचिस तो नहीं है, मासी के घर से लाना पड़ेगा। और ये पन्नी आपके पीछे में है, वही तो सूखा। अच्छा देते हैं, थोड़ा सा आँख सीखते हैं, बहुत डर लग रहा है। मासी माचिस है आपके घर पे, दीजिए थोड़ा सा। आँख जला रहे, इतना दलदली पड़ा रहा है, ठंडा पानी पी लिए थे। ओ, अब तब देखो ना कहाँ चला है। आप क्या कर रहे हो? इतना ठंड और कनकनी देख के ना हस्बैंड का मन बदल गया, वो आज काम पे नहीं गए हैं, घर पे ही हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा था, हमसे थोड़ा सा आँख सेक लेते हैं। फिर बहुत सारे कपड़े भी हैं वो भी धोना है, पहले बदन को गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चलेंगे फिर ठंडा पानी झाँटने के लिए। और जैकेट वगैरह है, नहीं धोएंगे तो नहीं चलेगा। और अगले दिन ना न्यू ईयर है, तो अगले दिन का कोई झंझट नहीं रखेंगे, सारा जो है आज कुछ कर लेंगे, बस कल जो घर का काम होता है डेली काम हो तो करना ही है। ठंडी में कांपते कांपते नहीं नहीं करते करते भी सारे कपड़े धो लिए हैं, जैकेट वगैरह भी था। चुप करो, तो कल न्यू ईयर है, वो कैसे झूल रहा है, गिर जाएगा बेटा, लग जाएगा ना, ना। तो कल का कोई झंझट ही नहीं रखे है, कल बस घर का जो डेली काम होता है वही सब काम का रहेगा, और कुछ अच्छा सा बनाने का प्लान है, देखता है कब तक, मतलब कितना देर तक कर सकते हैं। तो अभी बज रहा है 12:30। बेटू झूले पे झूल रहा है, बिना चटाई का गिर जाएगा। तो कंघे नहीं किए हैं, कंघे कर लेते हैं, फिर चलते हैं किचन पे। 12:30 हो गया, देखते हैं क्या बनता है, दिखता है खाना। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है, ऐसा कौन अच्छा लग रहा है। तो पहनने पहनने का ये प्लान था कल, कल न्यू ईयर, कल पहनूंगा, अभी जस्ट ट्राई कर रहा हूं। पर मतलब उस तरह का जो होता है ना एक्टर, वो उस तरह का नहीं लग रहा नहीं, बढ़िया से नहीं सिखाई, मतलब गोल वो वाला गोल नहीं के, बस चौड़ा कर दिया। ये सूट ना सिलाने दिए थे, आज ही मम्मी लेते आई है, तो हम ट्राई कर रहे थे, फिर वो बोले कि नहीं पहन लियो तो रहने दो, अगले दिन कुछ भी पहन लेना। तो नेक्स्ट डे साड़ी का प्लान कर रखे हैं। तो अभी हम बना रहे हैं छोले का दाल और चावल, देखिए खिचड़ी, इलाच और दालचीनी, जीरा और तेज पत्ता का फोरन देके। एक हाथ से फ़ोन, एक हाथ से हाड़ी सही से ना चला नहीं पा रहे हैं, तो बना लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। बस जितना चावल है उससे दुगना पानी देंगे और कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा। पापा को दिखाए, चलो ठीक है विशाल जी, कहाँ है ना? हाँ ठीक ही है, थोड़ा बड़ा नहीं रहेगा तो फिर अगले साल तक छुट्टा हो जाएगा। कहाँ जाओगे बेटा, कहाँ जाओगे? गुरु गुरु वो लोग तो चले गए हैं मार्केट, और मुझे ही बोल रहे थे जाने के लिए, पर मेरा ना बैक पेन हो रहा है थोड़ा सा, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सुबह में, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है ना, ऊपर से कपड़े भी आज थोड़ा ज़्यादा भारी भारी कपड़ा था, धो लिया है ना, कमर में दर्द हो रहा है तो इसीलिए नहीं गए हैं। तो आराम कर रहे हैं, और एडिट करके पोस्ट भी करना है, जो सुबह से दोपहर तक शाम तक पोस्ट ब्लॉग शूट करते हैं और एडिट करके पोस्ट भी कर देते हैं, और एक्स्ट्रा रहेगा तो एक दिन बाद बाद आएगा, पर एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो इसीलिए अभी एडिट करके पोस्ट करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबको खुशियाँ रखिए भी। तो बाय बाय, और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, अगले दिन तो फिर मिल रहे हैं, फिर विश करेंगे, और नए साल मतलब एक लास्ट साल का लास्ट डे है, और
जितना भी गिला सूखा होता है दिल से मिटा दीजिए। नए साल का शुरुआत नए दिन से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे भी, आप लोग भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।